आज हम बात करेंगे माउथ वॉश के बारे में। कोई माउथ वॉश आता है, हम उसका प्रमोशन करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे किसी माउथ वॉश का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। पहली बात तो ये है, माउथ वॉश क्लोरोहेक्सडीन और उसके साथ एंटीसेप्टिक एंटी प्लाक का आता है। कंपनी अलग अलग हो सकती है, मैं किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या है, माउथ वॉश का हम यूज कैसे करें और माउथ वॉश का यूज किन लोगों को करना चाहिए, माउथ वॉश का यूज कैसे करें, आज के हमारी ये टॉपिक हैं अलग अलग चीज़ों पे। पहली बात हम बात करेंगे कि माउथ वॉश क्या करता है। माउथ वॉश एंटीसेप्टिक होता है और एंटी प्लाक होता है। तो इसमें क्या है कि आपका मेन चीज इन्फेक्शन और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन माउथ के अंदर होता है उसे कम करता है। यह आपका पहला प्लस पॉइंट हो गया। सेकेंड प्लस पॉइंट क्या है, ब्रश करते समय आपने देखा होगा किसके मसूड़ों से ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है, तो वो समस्या भी ये ठीक करता है। दो प्लस पॉइंट हो गए। तीसरा मैं आपको पॉइंट बताऊंगा, बोलते समय किसी के मुंह से बैड ब्रेथ की समस्या आती है, यानी कि बदबू आने लग जाती है, उस समस्या को भी माउथ वॉश ठीक करता है। उसके अलावा ऑर्थो का ट्रीटमेंट जो होता है, ऑर्थो का ट्रीटमेंट बाई चांस अगर आपने ऑर्थो के ब्रेसेस लगा रखे हैं तो वहाँ पे क्या होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है, उससे स्मेल भी आने लग जाती है, तो उस चीज़ के लिए भी आप माउथ वॉश का यूज कर सकते हो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के। समझ में आ गया। अगला क्या है, हैंडीकैप जो लोग हैं वो लोग भी इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, एंटीसेप्टिक है, नॉर्मल भाषा में इसको हम समझ सकते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या आता है कि यूज कैसे करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप वन टाइम में 10 ml यूज कर सकते हो और दो टाइम कम से कम। अब किसी में इन्फेक्शन ज़्यादा होता है तो वहाँ पे हम 3 times की भी सलाह दे देते हैं, लेकिन 2 times कम से कम, सुबह शाम क्या करना है, 10 ml लेना है और प्लेन भी ले सकते हो, विथ वाटर भी ले सकते हो। अगर आपने प्लेन लिया है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, वाटर के साथ भी ले सकते हो। आपने 10 ml पानी ले लिया, 10 ml एक माउथ वॉश ले लिया, आपका वो बन गया, उससे आप यूज करो सुबह शाम 2 times कर सकते हो। अब यूज करने के बाद क्या करना है, आपने क्या करना है, जब आप माउथ वॉश यूज करते हो कम से कम 20-30 minutes रुक जाओ उसके बाद, क्योंकि अगर आपने माउथ वॉश किया उसके बाद सीधे खाने लगे तो वो असर नहीं करेगा, कुछ समय रुक जाओ जिससे वो अपना असर करे, उसके बाद आप खाना पीना खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज क्या है, माउथ वॉश करने का मतलब ये नहीं है कि आप माउथ वॉश करते रहो 2 minutes, 4 minutes, 6 minutes तक, ये बिल्कुल मत करना। माउथ वॉश करना है तो बस 60 seconds से ज़्यादा नहीं, 40 seconds में भी चल जाए, मुँह में लो, कुल्ला करो, थूक दो। जैसे किसी से मिलने जाते हैं, मीटिंग पे जाते हैं, तो वहाँ भी हम यूज़ करके जा सकते हैं। अब इसका मतलब ये मत समझना कि मैं कहीं गर्लफ्रेंड की बात तो नहीं कर रहा हूँ, तो आप नॉर्मली कहीं भी मीटिंग में जाते हैं, ऑफिस कहीं आप ऑफिस में जाते हैं, अगर मुंह से आपकी स्मेल आती है, आपको अगर थोड़ी फ्रेशनेस चाहिए तो आप माउथ वॉश का यूज़ कर सकते हैं, ठीक। आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, और हो सकेगा तो मैं इस पर एक और डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, जहाँ भी हमारी वीडियो पहुँच रही है, सब लोगों से निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हेमा डेंटल ब्लॉग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको भी कोई समस्या है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए हमारी पूरी टीम है, और आपको अगर हमारे साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो आप हमको नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।